बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइल स्टेट के प्लेटफॉर्म से जी मैं हूँ इंजमाम मलिक। जैसा कि काफ़ी सारी वीडियोस में हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक वगैरह पे आप मेरा चेहरा देखते रहते हैं। मेरी बेसिकली ये कोशिश होती है कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से तमाम तर जो सोसाइटीज़ हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की खुसूसन उनकी अपडेट्स लेके आऊँ। पिछली वीडियोज़ में मैंने कुछ DHA वैली, DHA Phase 6 वगैरह के वाले से बात की थी, लेकिन इस वीडियो में फैसल टाउन, खुसूसन फैसल टाउन Phase 2 के जो मेम्बरान हैं उनके लिए एक नहायत ही अच्छी खबर है जो मैं शेयर करना जा रहा हूँ। और वो ख़बर ये है कि फैसल टाउन Phase 2 की जो वन एंड ओनली बैलेटिंग है वो अनाउंस कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है फैसल टाउन 2 के मेंबर्स के लिए, जिन्होंने महज 8 से 10 दिन में जो कंप्लीट रेजिडेंशियल कोटा था वो सोल्ड आउट करवाया था फैसल टाउन Phase 2 का। तो सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा ऐसे सब कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का, जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और फैसल टाउन Phase 2 की मैनेजमेंट पर भी ट्रस्ट किया उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो जी इस तमाम बेल्टिंग की तमाम तरह डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करूंगा आपसे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फैसल टाउन Phase 2 की जो बेल्टिंग है इसकी ऑफिशियल डेट भी अनाउंस कर दी गई है। इसके अलावा ड्यूज़ क्लियरेंस की जो डेडलाइन है वो भी अनाउंस कर दी है। इसके अलावा जो प्रायोरिटी कोटा है, 2nd प्रायोरिटी, 3rd प्रायोरिटी, 4th प्रायोरिटी, इसके अलावा जो नॉर्मली इस बैलेटिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए भी जो ड्यूज़ क्लियरेंस के तमाम तर मामला हैं वो भी जो है सरेआम कर दिए गए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जो फैसल टाउन 2 ने बैलेटिंग की डेट दी है वो है 5 मई 2024। इसका जो वेन्यू है वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। हो सकता है साइट पे हो जाए या फिर फैसल टाउन के हेड ऑफिस में हो जाए, तो इसके बारे में भी कुछ कहना कबल वक्त होगा। इसके अलावा जो है इसकी जो ड्यूज़ क्लियरेंस डेडलाइन है कि जितने भी लोग जिस बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं वो 26 अप्रैल 2024 तक हर हालत में अपने ड्यूज़ क्लियर करेंगे और इस बैलेटिंग में शामिल होंगे। तो इस बैलेट की ख़ास बात यह है कि प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पर 3-4 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, तो बहुत सारे लोग इन कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं। तो ये तमाम कैटेगरीज़ जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जी सबसे पहली जो कैटेगरी बनाई गई है इंतज़ामिया की जानिब से वो ये है, उन मेंबर्स के लिए है, वो मेंबर्स इस कैटेगरी में आएंगे जिन्होंने लंप सम पेमेंट पे 20% डिस्काउंट लेके प्लॉट्स ख़रीदे थे। ऐसे तमाम मेंबर्स को 1st प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। और प्रायोरिटी का मतलब ये है कि इनको अच्छे सेक्टर्स, फ्रंट के सेक्टर्स, सामने के सेक्टर्स, शुरू के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर प्लॉट्स अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद मूव करते हैं 2nd कैटेगरी पे। तो ये कैटेगरी उन लोगों को हाउस करेगी जिन्होंने किस्तें ऑलरेडी कुछ ना कुछ सबमिट की हुई हैं, बट वो अभी बैलेटिंग की अनाउंसमेंट के बाद जो है अपनी लंप सम पेमेंट कंप्लीट करके 50% डिस्काउंट भी हासिल करेंगे और 2nd कैटेगरी में आएंगे। इनके साथ बेसिकली बिहेवियर 1st कैटेगरी वालों का किया जाएगा। इनको भी अच्छे प्लॉट नंबर्स दिए जाएंगे और फ्रंट के सेक्टर्स में इनको प्लॉट दिए जाएंगे। इसके बाद आ जाती है जी हमारी 3rd कैटेगरी। 3री कैटेगरी वाले जो वो लोग होंगे जो कि 9 इंस्टॉलमेंट्स कम से कम अपने प्लॉट के अगेंस्ट जमा कराएंगे। तो ये 9 इंस्टॉलमेंट जो जमा कराएंगे इनको भी 7% डिस्काउंट फैसल टाउन की जो इंतज़ामिया है वो देगी। इसके बाद आ जाती है फाइनल कैटेगरी है जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल कैटेगरी। तो नॉर्मल कैटेगरी के जो लोग हैं वो 6 इंस्टॉलमेंट्स जमा कराएंगे और इस बैलेटिंग का हिस्सा बन जाएगी। जो मैंने 3rd कैटेगरी बताई है इसमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट जो 9 इंस्टॉलमेंट्स देंगे उनको ज़ाहिर सी बात है कि थोड़े अच्छे प्लॉट्स ही दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 4th कैटेगरी मैंने बताई है उनमें नॉर्मल ही प्लॉट नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं। तो फंड्स जितने लोगों ने भी क्लियर करवाने हैं वो 26 अप्रैल 2024 से पहले अपने फंड्स क्लियर करवा लें ताकि उनको इस बैलेटिंग में शामिल किया जा सके। तो मिनिमम कोटा भी मैं आपको बता देता हूँ, 4th कैटेगरी जैसे ही है आपने एटलीस्ट 6 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं अपनी सबमिट करानी है अपने रेजिडेंशियल प्लॉट के अगेंस्ट, तब आप इस बैलेटिंग का हिस्सा बन सकेंगे। तो जी ऐसे लोग जो कि 6 इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं सबमिट करा पाएंगे किसी भी वजूहत की बिना पे, उनको इस बैलेटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये 1st एंड ओनली बैलेटिंग है फैसल टाउन Phase 2 की। इसके बाद कोई बैलेट नहीं किया जाएगा किसी ब्लॉक के लिए। तो जो लोग इस बैलेटिंग से रह जाएंगे उनके जो पॉलिसी होगी वो ये है, जैसे जैसे वो अपने ड्यूज़ क्लियर करते जाएंगे, मतलब उनकी पेमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी प्लॉट्स के अगेंस्ट, तो उनको नंबर्स असाइन कर दिए जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फैसल टाउन Phase 2 जो है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का एक प्रोजेक्ट है। इन्होंने पहले भी जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट जिसमें फैसल हिल्स, फैसल टाउन Phase 1 जो है टॉप ऑफ द लाइन प्रोजेक्ट हैं, उनमें जो परफॉर्मेंस दिखाई वो काबिल-ए-दीद थी और उसकी तारीफ़ बनती है। तो ये जो मैंने आपको जो लोग बैलेट से रह जाएंगे उनकी जो पॉलिसी बताई, ये पॉलिसी पहले फैसल हिल्स में भी फॉलो की गई थी। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, प्लॉट नंबर्स आपको भी मिलेंगे और सारा प्रोसीजर आपको भी मिलेगा, अलॉटमेंट्स वगैरह तमाम तर चीज़ें आपको भी मिलेंगी। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने डिस्काउंट पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करवाई है तमाम तर मेम्बरान के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी काविश है। मेंबर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएं, ताकि ना सिर्फ आप इस बैलेटिंग में शामिल हों बल्कि अपने प्लॉट की पोजीशन की तरफ क्लोज से क्लोज होते जाएं। तो इसके अलावा एक और ख़बर भी है जो आपके साथ शेयर करना नहायत ज़रूरी है, वो है NOC के हवाले से। बहुत सी रिसोर्सेज से ये खबर आ रही है कि फैसल टाउन फेज़ 2 का जो NOC है वो अप्रूवल के फाइनल स्टेजेस में है। इसका मतलब ये है कि वो जल्द से जल्द अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद ये एक कम्प्लीटली लीगल प्रोजेक्ट बन जाएगा, जैसे कि पिछले तमाम तर प्रोजेक्ट्स हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब के। तो डेवलपमेंट का जहाँ तक तल्लुक़ है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट ने बेसिकली ये डिसाइड किया था कि वो NOC अप्रूवल आने के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, ताकि डेवलपमेंट में कोई पॉज ना आए। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था। तो उसके बरक्स प्रीलिमिनरी डेवलपमेंट्स जो हैं, ग्राउंड लेवलिंग वगैरह मशीनरी बहुत सी जगह पर यहाँ पर काम कर रही है। तो अभी बैलेटिंग भी अनाउंस हो गई है, NOC भी इंशाल्लाह इसका जल्द आ जाएगा और डेवलपमेंट की पेस भी काफ़ी फास्ट होगी। तो जो लोग अपनी किस्तें वगैरह जमा करवाना चाहते हैं और इस बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्ता करें, अपनी किस्तें जमा कराएं और अच्छा डिस्काउंट हासिल करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह आपके लिए यूज़फुल कॉन्टेंट लाता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।